नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम मिठाई वाला पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? प्रश्न का उत्तर है कि बच्चे एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, इसलिए वह बच्चों की पसंद के अनुसार अलग अलग चीज़ें बेचता था तथा वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था, अर्थात वह लाभ के लिए कोई सामान नहीं बेचता था। अपना ही धन वस्तुओं में लगाने के कारण तथा उनका इंतजाम करने में उसे का इतना समय लग जाता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले की मधुर आवाज़ को सुनकर तथा बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ की इच्छा ना करना, बच्चों से प्यार से बोलना आदि गुणों को देखकर बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू जो कि एक ग्राहक थे, वह अपने समर्थन में तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है, सामान सबको एक ही भाव में देते हैं पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। इसके विपरीत मुरली वाला अपने तर्क में कहता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का नहीं पता होता और दुकानदार चाहे हानि में ही अर्थात नुकसान में ही सामान क्यों ना बेचे, ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वह उन्हें लूट रहा है और ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रश्न का उत्तर है, खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे खुश हो जाते, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के मकानों में तथा में हलचल मच जाती, जो बच्चे गलियों में तथा घरों के भीतर छोटे छोटे बागों में खेलते होते थे वह भी उसकी आवाज़ सुनकर अपना सब सामान छोड़कर दौड़े चले आते और उसे घेर लेते थे। पांचवा प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर अर्थात आवाज़ से खिलौने वाले की याद इसलिए आ गई क्योंकि उसे वह अच्छी तरह से जानी पहचानी लगी। उसे याद आ गया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर आवाज़ में गाकर खिलौने बेचता था और अब मुरली वाला भी उसी तरह से गाकर अपनी मुरलियां बेच रहा है। दोनों के बेचने का अंदाज अर्थात तरीका एक ही था, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण हो आया। छठा प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है कि जब रोहिणी ने मुरली वाले से उसके तथा उसके परिवार के विषय में पूछा तो वह भावुक हो गया। उसने इस छोटे से व्यवसाय को अपनाने का यह कारण बताया कि उसका भी एक सुखी परिवार था, उसकी पत्नी थी तथा बच्चे थे, लेकिन उसका परिवार नष्ट हो गया, इसलिए वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है और इसी कारण से उसे जो संतोष मिलता है और यह संतोष पाने के लिए ही उसने सब व्यवसाय को अपनाया है। सातवां प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किसी ने पहली बार उससे इतने अधिक आत्मीयता दिखाई और उसके दुख का कारण समझने का प्रयास किया।
इसलिए मिठाई वाले ने रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चों की छवि नजर आई और उसने उनसे पैसे नहीं लिए। आठवां प्रश्न है, कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? अर्थात औरतें क्या आज के समय भी औरतें पर्दे में रहकर बात करती हैं, और अगर करती हैं तो क्या आपके अनुसार यह सही है? उत्तर है हाँ, आज भी कुछ पिछड़े हुए ग्रामीण और रूढ़िवादी परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है, अर्थात औरतें पर्दे में रहकर बात करती हैं, लेकिन हमारी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी नाश होता है तथा साथ ही उनकी प्रगति में भी रुकावट आती है। नवा प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होता होगा? उनके चेहरों के बारे में भी लिखिए। हाट अर्थात मेले में हमें सभी चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, नमकीन, मिठाइयाँ, खिलौने, गुब्बारे, झूले आदि। इन हाट मेलों को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है, क्योंकि वह सब मिलकर ही इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्य कुशलता और आर्थिक लाभ पाने की इच्छा रहती है। दसवां प्रश्न, जो कि भाषा की बात के अंतर्गत है, वह है, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला शब्द का प्रयोग किया गया है, अब आप बताइए कि वाला शब्द से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं तथा ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? मिठाई वाला, यहाँ पर वाला से पहले मिठाई शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली विशेषण शब्द है, जो कि गुड़िया की विशेषता बता रहा है। ऊपर वाले वाक्यांश में इनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है, अर्थात गुड़िया बोलने वाली है और मिठाई जो एक वस्तु है। इसी प्रकार से ग्यारहवां व अंतिम प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए होंगे, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के प्रयोग से आजकल इस तरह के शब्द पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बात कैसे कहेंगे? अर्थात यदि हमें इन शब्दों को बोलना हो तो हम किस प्रकार से बोलेंगे? जैसे पहला है, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए होंगे, इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, लगता है वे भी पार्क में खेलने चले गए हैं। दूसरा वाक्य है, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? भैया, यह मुरली कितने की है, या यह भैया इस मुरली का क्या दाम है? तीसरा है, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा मिठाई वाले को कमरे में बुलाओ या बुलवाओ। तो यह था हमारा मिठाई वाला पाठ के प्रश्नोत्तर। आप इस पाठ को अच्छे से समझकर प्रश्नोत्तरों को हिंदी की कॉपी में लिखकर इन्हें याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।